हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक है, हम यूट्यूब मैनोमीटर से दाब की गणना करना सीखेंगे। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यह एक पाइप है, पाइप में एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है। हमें बिंदु ए पर प्रेशर को फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ पर दो लिक्विड है, एक पाइप में जो फ्लो हो रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षित घनत्व अलग है, और जो यूट्यूब मैनोमीटर यहाँ पर द्रव है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है। तो हम किस प्रकार से बिंदु ए पर गणना करेंगे कि यहाँ पर प्रेशर कितना है, हम कैसे शुरू करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर से, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहाँ से गणना प्रारंभ करते हैं जहाँ से हमें प्रेशर फाइंड हो। जैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं बिंदु सी पर इसका सिरा खुला हुआ है। खुला हुआ है मतलब ये वायुमंडलीय प्रेशर, इस पर वायुमंडलीय दाब लगा होगा। ठीक है, तो हम बिंदु सी से क्या करते हैं कि गणना शुरू करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि बिंदु सी पर दाब फाइंड कर लें। तो लिखेंगे बिंदु सी पर दाब। ठीक है, बिंदु सी पर कितना प्रेशर होगा हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो बिंदु जो सी पर प्रेशर होगा वह शून्य होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कितना जहाँ पर होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है, लेकिन गेज प्रेशर हम क्या करते हैं वहाँ शून्य से शुरू करते हैं। तो बिंदु सी पर दाब क्या होगा, शून्य होगा। अब हम बिंदु जो यहाँ पर अगर हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है, बिंदु बी पर दाब हम फाइंड कर ले। अब बिंदु बी पर दाब यह क्या होगा, H1 ऊंचाई के कारण दाब होगा। ठीक है, यानी कि H1 ऊंचाई के कारण दाब, यानी H ऊंचाई के कारण दाब कितना होगा, हम जानते हैं क्या होता है, S1 H1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस द्रव की है कितनी है, S1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे S1 H1। ठीक है, हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जब हम ज्ञात बिंदु से नीचे चलते हैं तो धनात्मक लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेशर फाइंड था हमें, यहाँ पर जीरो है, तो हमने इससे नीचे चला तो हमने पॉजिटिव लिया। अब हम बी से यहाँ तक हमें फाइंड हो गया, अब हमें यहाँ पर ऊंचाई H2 दिया है। अब बी से सी तक हम निकाल लें कि यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब बिंदु ए पर यहाँ पर हम निकालेंगे, यानी H2 के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पर भी हुआ, समान तल पर क्या होते हैं, प्रेशर इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर भी प्रेशर उतना ही होगा और यहाँ पर भी प्रेशर सेम होगा। अब हम बिंदु ए पर निकालेंगे, बी पर हमने पहले सी पर निकाला फिर बी पर निकाला, अब हम ए पर निकालेंगे। तो बिंदु ए पर दाब कितना होगा, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर दाब कितना आ गया है हमारा, S1 H1 बिंदु बी पर आ गया है। तो एस यानी बिंदु बी पर दाब माइनस, जब हम ज्ञात बिंदु से ऊपर चलेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, यानी कि H2 ऊंचाई के कारण दाब। ठीक है, तब कितना माइनस होगा, तो यहाँ पर बिंदु B पर दाब कितना है, S1 H1 है। ठीक है, और यहाँ पर H2 के कारण कितना है, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी है, H2 है, तो H2 हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ध्यान ये देने वाली है कि ये माइनस कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से हम बता रहे हैं कि जैसे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, जो यहाँ शून्य से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या है, शून्य है, वायुमंडलीय दाब है, लेकिन यहाँ पर गेज प्रेशर क्या है, शून्य है, तो हमने शून्य से शुरू किया।
अब यहाँ से हमने सी से नीचे चला, ठीक है, ज्ञात यहाँ पर जो प्रेशर है क्या है, शून्य, हमें ज्ञात है कि यहाँ पर प्रेशर शून्य है। अब हम इससे नीचे चला तो आया बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर हमें दाब कितना मिल गया, S1 और H1 मिल गया। अब इससे हम ऊपर चल रहे हैं, जब ऊपर चलेंगे आप ज्ञात बिंदु से ऊपर चलेंगे तो माइनस लेंगे, ज्ञात बिंदु से नीचे चलेंगे तो आप जो है कि पॉजिटिव लेंगे। तो हम इससे ऊपर चल रहे हैं तो माइनस ले लिया, तो S1 H1 माइनस S2 H2, तो इस प्रकार से A पर दाब कितना आएगा, S1 H1 और S2 H2, हम मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और ये किस में मान आएगा, पानी की ऊंचाई में आएगा, किस में आएगा, पानी की ऊंचाई में आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब अगर हमें इसको गेज प्रेशर में फाइंड करना हो तो क्या होता है, P बराबर रो जी एच होता है, यही होता है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H बराबर क्या लिख सकते हैं, H बराबर लिख सकते हैं P अपान रो जी। अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं S1 H1 माइनस S2 H2, ठीक। तो इस प्रकार से हम ये जो मान आएगा, ये वाला जो मान आएगा, ये आएगा गेज दाब में आएगा, ठीक है। ये किसमें आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में ये वाला आएगा, और ये क्या आएगा, पानी की ऊंचाई में। हम इस पर आधारित एक सवाल प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए सेम ऐसा ही है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पानी की ऊंचाई में आएगा, किस में आएगा, पानी की ऊंचाई में आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब अगर हमें इसको गेज प्रेशर में फाइंड करना हो तो क्या होता है, P बराबर रो जी एच होता है, यही होता है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H बराबर क्या लिख सकते हैं, H बराबर लिख सकते हैं P अपान रो जी। अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं S1 H1 माइनस S2 H2, ठीक। तो इस प्रकार से हम ये जो मान आएगा, ये वाला जो मान आएगा, ये आएगा गेज दाब में आएगा, ठीक है। ये किसमें आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में ये वाला आएगा, और ये क्या आएगा, पानी की ऊंचाई में। हम इस पर आधारित एक सवाल प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए सेम ऐसा ही है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए इस चित्र में हम बिंदु ए पर द्रव का दाब निकालना चाहते हैं कि कितना है। तो हम देख रहे हैं इस चित्र में कि जो पाइप में अगर कोई द्रव फ्लो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 0.9 है, और ऊंचाई यहाँ पर देख रहे हैं 0.6 है, और यहाँ पर यूट्यूब मैनोमीटर में एक दूसरा द्रव भरा हुआ पारा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 13.6 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने का इसका आसान विधि यही है कि आप यहाँ से शुरू कीजिए सॉल्व करना, ठीक है, यहाँ से शुरू कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बिंदु सी पर दाब प्रेशर कितना होगा हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब इसका सिरा मुक्त है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, और जब वायुमंडलीय दाब लगता है वहाँ पर गेज प्रेशर क्या होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। अब हम बी यानी सी से बी तक का प्रेशर इस ऊंचाई के कारण, तो अब हम बिंदु बी पर फाइंड कर लेते हैं कि बिंदु बी पर दाब कितना हो जाएगा इस ऊंचाई के कारण। तो क्या होता है, S1 H1 होता है, यही होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे S1 कितना है, S1 है 13.6 है, 13.6 गुणे, और यहाँ पर कितना है, ऊंचाई कितनी है, 1.2, तो 1.2 मीटर है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16.32 मीटर,
और ये किसके पद में आएगा, पानी की ऊंचाइयों के पद में आएगा, ठीक है, पानी की ऊंचाई कि यह पद में आएगा, ठीक है। अब हमने बिंदु B पर निकाल लिया, अब B से हम क्या कर रहे हैं, A तक का प्रेशर निकाल लें कि बिंदु A पर प्रेशर कितना है, बिंदु A पर दाब, तो बिंदु A कहाँ पर है, B से ऊपर है, ठीक है, B से ऊपर है, तो जब हम ऊपर चलते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, बिंदु B पर दाब, बिंदु B पर दाब माइनस, अब बिंदु B पर दाब जो है, अब माइनस इस 0.6 मीटर के कारण क्या होगा, जो दाब होगा, तो यानी इसको अगर H2 मान लें तो H2 के कारण दाब, तो यहाँ पर बिंदु B पर दाब कितना है, 16.32, और H2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर H2 के कारण कितना दाब होगा, तो S यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, S2 कितना है, 0.9 है, और H2 कितना है, 0.6 है, तो सॉल्व करेंगे हम तो 16.32 माइनस ये कितना हो जाएगा, 54 यानी 0.54 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.78 मीटर, और ये किस में आएगा, पानी के ऊंचाई में, पानी की ऊंचाई में। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि कब माइनस लेंगे कब प्लस लेंगे, जब हम ज्ञात बिंदु से नीचे चलेंगे तो प्लस लेंगे, जब यानी कि प्रेशर जहाँ पर फाइंड होगा वहाँ से जब हम नीचे चलेंगे तो प्लस लेंगे, अगर ज्ञात प्रेशर से हम क्या करेंगे ऊपर चलेंगे तो हम माइनस लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ज्ञात था जीरो था, हमने यहाँ से चला तो प्लस लिया, लेकिन अब यहाँ से हम ये वाला बिंदु जो कहाँ पर है, इस वाले बिंदु बी से ऊपर है, तो हमने माइनस लिया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमारा आंसर आ गया, ये पानी की ऊंचाई के पद में है, लेकिन अगर हमें गेज दाब में मापना हो तो क्या होता है, पी अपान रोजी यही होता है, तो यहाँ पर 15.78 ठीक है पानी के पदों में है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 15.78 गुणे रो जी, रो पानी का कितना होता है घनत्व, 1000 होता है, और जी का मान कितना होता है, 9.81 होता है। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर 154.8 किलो पास्कल, ये किस में हो गया, गेज दाब में हो गया। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, जैसे हम सबसे पहले ध्यान देंगे कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से मुक्त सिरे पर, मुक्त सिरे पर जो गेज दाब होता है शून्य होता है, वहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से हम नीचे चल रहे हैं, यहाँ पर शून्य था, तो ज्ञात प्रेशर से जब हम नीचे चलेंगे तो धनात्मक लेंगे, तो इस ऊंचाई के कारण कितना दाब हुआ, हमने उसको लिख दिया। ये किस में आएगा, पानी की ऊंचाई के पदों में आएगा। फिर हमने बिंदु बी पर दाब को फाइंड कर लिया, इतना आ गया, ठीक है। अब बी से हम अब कहाँ पर फाइंड करेंगे, ए पर फाइंड करेंगे, क्योंकि ए जो है बी से ऊपर है, जब हम ऊपर चलेंगे तो माइनस लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बिंदु ए पर दाब निकालने के लिए बिंदु बी पर जो दाब है वो उसमें से हम घटा दिए इतना, जो H2 के कारण, तो उसको हमने घटा दिया। तो इस प्रकार से ये आ गया आंसर, तो ये पानी के पदों में आया। हमें क्या करना है, गेज प्रेशर निकालना है, तो P बराबर रोजी होता है, कहाँ से आया, क्योंकि H बराबर क्या होता है, P बराबर रो जी एच होता है, तो H बराबर क्या हो जाए, P अपन रोजी यहाँ से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर किया 15, इसमें क्या करेंगे, जल का, जल के घनत्व का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से आंसर आ गया। अब आइए इस हम चित्र को देखते हैं और इसमें बिंदु ए पर प्रेशर को फाइंड करते हैं।
तो हमने बताया था कि सबसे पहले कहाँ से हम करेंगे, सबसे पहले हम जहाँ पर मुक्त सिरा होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु सी पर दाब निकालते हैं, बिंदु सी पर दाब। तो यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो यहाँ पर कितना होता है गेज दाब, कितना होता है, जीरो होता है। जहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एक होता है, वहाँ पर गेज दाब क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हमने जीरो लिख दिया। अब हम बिंदु सी पर चलते हैं, ठीक है, बिंदु बी पर दाब। तो इस प्रकार से हम कहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु बी पर दाब फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब नीचे चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पर क्या है 60 सेमी है, इसको हम मीटर में चेंज कर दे रहे हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 0.6 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको भी कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर आ गया। अब हम यहाँ पर बिंदु बी पर हम प्रेशर को फाइंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0.6। और इसमें हम स्पेसिफिक जो है कि ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 13.6। क्या होता है, H1 S1 होता है, यही फार्मूला आता है। या क्या है, S क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। अब हमने बिंदु B पर प्रेशर को फाइंड कर लिया, हमें कहाँ पर ज्ञात करना है, A पर। तो हम क्या करेंगे, बिंदु A पर दाब। अब जो B पर दाब है उसको, उसमें हम क्या करें, इस दाब को जोड़ दें तो आ जाएगा। तो बिंदु B पर दाब प्लस, क्योंकि हम जब भी ज्ञात हम पॉइंट से नीचे नापेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, ज्ञात पॉइंट से ऊपर नापेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे नाप रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू यह इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि पानी है तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बी पर कितना है हमने लिखा हुआ है, 0.6 मल्टीप्लिकेशन 13.6 प्लस 0.3, यही होगा। अगर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 8.46 मीटर। और यह जो ऊंचाई आएगा किसमें आएगा, पानी के स्तंभ में, किसमें है, पानी के स्तंभ में, पानी की ऊंचाई में आएगा। अब ये तो अभी मीटर जो है कि ये पानी के स्तंभ में आया, अब हम इसको गेज प्रेशर में मापेंगे तो कितना हो जाएगा, तो P बराबर क्या होता है, रोजी अपान, इसको हम लिख देंगे 8.46। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 8.46। रो कितना होता है पानी का, 1000 होता है, और G कितना होता है, 9.81 होता है। इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.2992.6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम इस प्रकार का जब फिगर रहेगा तब हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे पहले जो हमने प्रेशर निकाला तो उसमें जो द्रव भरा होता था ऊपर तक भरा होता था, ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यह है बी पॉइंट से नीचे है, तो इसका भी वैसे ही लगेगा, थोड़ा सा इसमें बस सावधानी देने वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, फिर सी से ही हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो बिंदु सी पर दाब, ठीक है, बिंदु सी पर दाब। अगर हम मान लें कि यह ऊंचाई क्या है, H1 है, और यह क्या है, H2 है, और इसमें जो द्रव भरा हुआ है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हम मान लेते हैं S1 है, और इसमें क्या है, H2 है, ठीक। अब हम C पर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दाब होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो वायुमंडलीय दाब यानी कि यहाँ पर 0 होगा,
क्योंकि गेज प्रेशर में क्या होता है, जीरो होता है, तो हमने जीरो ले लिया। अब हम सी के बाद हम कहाँ पर चल रहे हैं, बी पर, बिंदु बी पर दाब, बिंदु बी पर दाब। हमने बताया था कि अगर ज्ञात बिंदु से हम जब ऊपर चलेंगे तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पर यानी कि सी पर दाब दाब माइनस, अब बी पर दाब क्या होगा, एच टू के कारण, एच वन के कारण दाब, एच वन के कारण दाब। तो सी पर दाब कितना है, शून्य है, और एच वन के कारण क्या दाब होगा, एच वन एस वन। यह दाब किस में आएगा, पानी के स्तंभ में आएगा, किसके, पानी के स्तंभ में, पानी के ऊंचाई में यह आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए पर ज्ञात करेंगे, ए पर दाब, कि ए पर दाब कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो बी पर दाब है, बी पर दाब माइनस क्या कर दे, एच टू के कारण दाब, एच टू के कारण दाब। तो क्या होगा, B पर दाब कितना आ रहा है, माइनस एच वन एस वन, और यहाँ पर क्या है, एच टू के कारण क्या होगा, एच टू एस टू, एच टू एस टू। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉमन है, यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो क्या जाएगा, माइनस माइनस एच वन एस वन प्लस एच टू एस टू। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि यह माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हम नाप रहे हैं वो किस, कौन सा है, निर्वात दाब है, यहाँ पर कौन सा दाब है। जब माइनस में क्या होता है, जो हम मापते हैं गेज प्रेशर को, तो उसको निर्वात दाब बोलते हैं। जैसे जब पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव गेज दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से ऊपर भी नापते हैं, वायुमंडलीय दाब से नीचे नापते हैं, जब ऊपर नापेंगे तो धनात्मक और जब नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक, या उसको निर्वात दाब भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब आइए हम इस फिगर का जो है कि बिंदु ए पर प्रेशर फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पीजोमीटर में जो द्रव भरा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 13.6 है, और इसमें यहाँ पर जो बी से सी तक इसकी ऊंचाई है 20 सेमी है, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे, 0.2 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 15 सेमी दिया हुआ है, तो हम इसकी ऊंचाई कितना कर देंगे, 0.15 मीटर, ठीक। और यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो पाइप में फ्लो हो रहा है द्रव, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। अब हम बिंदु ए पर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले सी से चलेंगे, ठीक है। तो बिंदु बिंदु सी पर दाब कितना होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, यानी जीरो होगा। अब हम सी पर फाइंड कर लिए, सी से अब बी पर चलने, यहाँ पर ध्यान देंगे जब हम ऊपर चलेंगे ज्ञात बिंदु तो माइनस चलेंगे, तो बिंदु बिंदु बी पर दाब कितना होगा, जीरो माइनस, अब ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, 0.2, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 13.6, ठीक है, 13.6, यानी 0.2 गुणे 13.6, ये किस में आएगा, पानी के स्तंभ में आएगा, मीटर किस में आएगा, पानी के स्तंभ में, ठीक है। इतना साल हो गया, अब बी पर फाइंड हो गया, अब हम ए पर निकालना चाहते हैं दाब कितना होगा, तो बिंदु बिंदु ए पर दाब, तो बिंदु ए पर दाब कितना होगा, हम बी से क्योंकि यह ऊपर है, जब हम ऊपर चलते हैं तो क्या होता है, माइनस लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बिंदु बिंदु बी पर दाब माइनस, यहाँ पर इस वाले ऊंचाई के h2 मान लेते हैं,
H2 ऊंचाई के कारण दाब, तो बिंदु B पर दाब हमने निकाला कितना है, माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस 0.2 इंटू 13.6 हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस H2 कितना है, 0.15 इंटू, यहाँ पर H2 कितना है, 0.8 है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस को हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 13.6 प्लस 0.15 इंटू 0.8 हो जाएगा। जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वह आएगी -2.8 मीटर। और यह किस में आएगा, यह पानी के ऊंचाई में आएगा, किस में आएगा, पानी के स्तंभ में, ठीक। अगर हम अब क्या कर रहे हैं कि इसको अगर हम गेज प्रेशर में फाइंड करना चाहें तो क्या होता है, H बराबर P अपान रोजी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2.8 है, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, P बराबर क्या हो जाएगा, -2.8 गुणे 1000 गुणे जी का मान कितना होता है, 9.8। तो इस प्रकार से P बराबर -2.8 गुणे 1000 गुणे 9.8 करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, -27.86 किलो पास्कल। और यह किस में होगा, क्योंकि यह माइनस में है, माइनस का मतलब क्या है, ऋणात्मक गेज दाब, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात, निर्वात दाब गेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निर्वात दाब गेज। लेकिन ये निर्वात दाब गेज है, लेकिन वास्तव में कितना यहाँ पर प्रेशर लग रहा है हम उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर यानी निरपेक्ष दाब, हम यहाँ पर ज्ञात कर ले, निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर वास्तव में कितना लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और माइनस इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात दाब, निर्वात दाब। तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल होता है, उसमें से हम क्या करें, -27.86 को हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा 73.465 किलो पास्कल। तो इस प्रकार से वास्तव में यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा, 73.465 किलो पास्कल यहाँ पर प्रेशर आएगा। तो इस प्रकार से हमने YouTube मैनोमीटर पर आधारित हमने प्रश्नों को देखा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। अभी तक अगर चैनल आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।